हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन क्लाउड व्हाइट के गेम प्ले के पार्ट 8 में। तो इस एपिसोड में मैं दोबारा चैलेंज करने वाला हूँ मिस्टी को। लास्ट टाइम मैंने जिससे चैलेंज किया था तो उससे हार गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिल के पास जाऊँगा एंड बिल के पास जाते जाते मेरा लेवल अप हो जाएगा पिकाचू का, तो मैं हरा पाऊँगा मिस्टी को। एंड वही किया था मैंने लास्ट एपिसोड में। एंड मैं बिल के पास गया था लास्ट एपिसोड में एंड बिल ने मुझे SSN का टिकट दिया है। नेक्स्ट भाई वर्मिलियन क्या बोलते हैं भाई, सुरेलियन सिटी के बाद मैं वर्मिलियन सिटी जाऊंगा। तो चलो सुरेलियन सिटी के जिम लीडर मिस्टी को हराते हैं। उससे पहले मैं देख लेता हूँ अपने पास पोशन है कि नहीं। सुपर पोशन मैंने बाय किया था क्या लास्ट एपिसोड में? आई थिंक मैंने बाय किया था। तो 5 सुपर पोशन है, इतने से काम हो जाएगा अपना। तो चलो मिस्टी को दोबारा चैलेंज करते हैं, हराते हैं इसे। तो मिस्टी स्टाइयो को यूज़ करेगी फर्स्ट, जिसका लेवल 21 है। तो अपना पीकाचू इसके स्टाइयो को इजीली हरा देगा एंड अपने पीकाचू का लेवल भी 21 ही है। तो एक ही थंडर शॉक से स्टाइयो को हरा दिया है पीकाचू ने। अब नेक्स्ट पोकेमॉन होगा इसका स्टामी, जो कि बीस्ट है भाई। उसने ही हराया था लास्ट टाइम मेरे साथ ज़्यादातर पोकेमॉन को। तो सबसे पहले मुझे इसे थंडर वेब से भाई पैरालाइज करना है। भाई इसने वाटर पल्स यूज़ कर लिया एंड आधे से भी ज़्यादा अपना HP इसने खा गया भाई। पैरालाइज तो हुआ बट इसने डैमेज दे दिया है अपने पोकेमॉन क्या बोलूँ भाई पिकाचू को। तो मैं राइलू को चूज़ करता हूँ अपना डिवर्जन एंड उसके बाद मैं सुपर पोशन यूज़ कर लूँगा पिकाचू के ऊपर। यह अपना स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट राइलू तू तो कुछ कर नहीं सकता बट फोरसाइट मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। एंड क्विक अटैक राइलू गया। आइविसोर तू कुछ थोड़ा डैमेज दे सकता है इसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वाटर टाइप के ऊपर कौन सा अटैक सबसे ज़्यादा डैमेज देगा। भाई मुझे इसके ऊपर पॉइजन पाउडर यूज़ करना चाहिए था बट पॉइजन फेल होगा क्योंकि ये पहले से पैरालाइज है। मैंने गलती कर दिया, मुझे आइविसोर का पॉइजन यूज़ करना चाहिए था इसके ऊपर। ओह बुलेट शीट काम कर रहा है भाई, बुलेट शीट ही यूज़ करता हूँ। दोबारा से स्टामी नहीं जीत पाएगा अब, मुझे लग रहा है कि स्टामी हार जाएगा। ओके अभी भी कुछ कह नहीं सकता। सुपर पोशन भी यूज़ कर सकती है मिस्टी। रिकवर यूज़ कर लिया भाई स्टामी ने। दोबारा से मैं बुलेट शीट यूज़ करता हूँ स्टामी के ऊपर। इस बार 2 बार हिट होगा या 3 बार? भाई 3 बार हुआ इस बार हिट एंड थोड़ा अबे 4 बार हिट हो गया एंड स्टामी को आइविसोर ने हरा दिया। एंड लास्ट एपिसोड में अपना बल्बसोर आइविसोर बन चुका था, ये बोलना भूल चुका था तुम्हें, तो बोल दिया भाई। आइविसोर का लेवल 18 हो चुका है, नाइस भाई। तो वाओ यू आर टू मच, ऑल राइट यू कैन हैव द कैस्केड बैच टू शो यू बीट मी। बीट कर दिया भाई मिस्टी को मैंने, इस बार बहुत इजी था। द कैस्केड बैच मेक्स ऑल पोकेमोन अप टू लेवल 30 ओबे, दैट इंक्लूड्स इवन आउटसाइडर यू गॉट इन ट्रेड, देयर मूव मोर, यू कैन नाउ यूज कट एनी टाइम इवन आउट ऑफ बैटल, यू कैन कट डाउन स्मॉल ट्रीज टू ओपन न्यू पाथवेज, यू कैन ऑल्सो हैव माई फेवरेट TM। तो इसने इसका फेवरेट TM दे दिया है जो कि है TM3 वाटर पल्स। ओके तो मैं किसे सिखाऊं ये वाटर पल्स अटैक? आई थिंक मुझे सिखाना चाहिए वाटर पल्स अटैक अपने टोटोडाइल को। तो सिखाता हूँ भाई टोटोडाइल को वाटर पल्स। कहाँ गया वाटर पल्स? ऊपर होगा, TM3 है ना तो ऊपर होगा, तो यही सीख सकता है टोटोडाइल। तो इसे मैं सिखाता हूँ वाटर पल्स। एक मूव को डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं बाइट को डिलीट कर देता हूँ या फिर स्क्रैच को डिलीट करता हूँ एंड वाटर पल्स सिखाता हूँ इसे। तो अपना टोटोडाइल वाटर पल्स सीख चुका है। तो नेक्स्ट जिम होगा अपना, जिम फाइट होगा वर्मिलियन सिटी में एंड वर्मिलियन सिटी का जिम लीडर है सर्ज, लुटेनेंट सर्ज। तो उसका किसके पास एडवांटेज है भाई? अपने आइविसोर के पास एडवांटेज है एंड भाई अपने गीबल के पास एडवांटेज है। तो नेक्स्ट मैं ट्रेन करूँगा गीबल को, तो इसीलिए मैं ले लेता हूँ पिकाचू का एक्सपीरियंस है
एंड गीबल को दे देता हूँ इसका एक्सपीरियंस शेयर। नाइस ब्रो। अब चलो आइविसोर एंड गीबल को ट्रेन करते हैं। हाँ तो लेट्स गो भाई, पोकेमोन सेंटर चलते हैं। सबसे पहले इनको इनका इन लोगों का एचपी को रिस्टोर करना है। उसके बाद ओके ठीक है, मैंने एचपी रिस्टोर कर लिया। एंड पोकेमोन मार्ट जाके मैं सबसे पहले शॉपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद पूरा इस सुरेलन सिटी को एक्सप्लोर करके निकल जाऊँगा मैं इधर से। तो सुपर पोशन ले लेता हूँ मैं अभी के लिए, 10 सुपर पोशन ले लिया। एंड नॉर्मल पोशन तो नहीं चाहिए, एंटीडोट तो है मेरे पास बट 5 और ले लेता हूँ। पैरालाइज हील चाहिए अपने को, काम आएगा भाई। 4 पैरालाइज हील ले लेता हूँ। अवेकनिंग एंड बर्न हील भी ले लूँगा इस नगेट को बेच के जो मुझे नगेट ब्रिज में मिला था। तो इस नगेट ब्रिज नगेट को बेच देता हूँ एंड बाय करता हूँ अवेकनिंग। 5 अवेकनिंग ले लेता हूँ। एंड इसके प्रूफ तो है अपने पास, बर्न हील ले लेता हूँ मैं 5। रिपल चाहिए अपने को, रख लेता हूँ, पहले से बाय करके रखता हूँ 5 रिपल। ठीक है शॉपिंग तो कर लिया, अब चलो एक्सप्लोर करते हैं इस सिटी को। ये क्या कर रहे हैं इधर? स्लो ब्रो इज लोफिंग अराउंड। स्लो ब्रो विथड्रॉ। नो दैट्स रॉन्ग, इट्स सो हार्ड टू कंट्रोल पोकेमोन। योर पोकेमोन ऑब्टेन्स डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एज ए ट्रेनर। भाई शायद मैंने कुछ गलत वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब बोल नहीं पाया मैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाया उस वर्ड को, वर्ड जो था। सर टू मच टाइम टू लिटिल टू डू, इज नथिंग इंटरटेनिंग हैपनिंग एनीवेयर। मुझे क्या पता ब्रो, तुम इंटरनेट यूज़ करो। ग्रास एंड केव्स हैंडल ईजली बाइक शॉप। तो इस बाइक शॉप के अंदर मैं जाऊँ क्या? I want a bright red bicycle. I will keep it at home so it won't get dirty. तो इसे red bike चाहिए एक। A plain city bike is good enough for me. After all, you can put a shopping basket on a mountain. Okay. These bikes are cool, but they are way expensive. Really? कितना expensive है? मुझे पता है, but you know, I'm playing with you. भाई बहुत ज़्यादा है, इतना प्राइस कौन रखता है भाई बाइक का। निकलता हूँ मैं इस बाइक शॉप से। और कोई सिटी में यू आर मेकिंग एन कुलपीरियन पोकेमोन, दैट साउंड अमेजिंग। हे मैंने तुझसे बात किया था क्या? डिड यू नो दैट यू कैन कट डाउन स्मॉल ट्रीज? इवन द स्मॉल ट्री इन फ्रंट ऑफ द शॉप कैन बी कट डाउन। आई थिंक दे आर ए वे अराउंड इट थ्रू। आई नो ब्रो, पता है मुझे। हेलो देयर, डू यू हैपन टू हैव पॉलीरॉयल? नहीं मेरे पास नहीं है। विल यू एग्री टू ट्रेड फॉर माय चेंज? मेरे पास नहीं है ओल्ड मैन पॉलीरॉयल। माय हस्बैंड लाइक्स ट्रेडिंग पोकेमोन। यू आर कलेक्टिंग पोकेमोन फॉर योर पोकेडेक्स एंड यू विल यू प्लीज ट्रेड विद हिम? मेरे पास नहीं है पॉलीरॉयल जो मैं इससे ट्रेड कर सकूँ। ये कौन है इसको सब पता है। ओनली स्किल ट्रेनर कैन कलेक्ट पोकेमोन बैजेस। आई सी यू हैव एटलीस्ट वन। दिस बैज हैव अमेजिंग सीक्रेट, डिड यू नो? नाउ देन, नहीं मुझे तुम्हें कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है, मुझे पता है कौन सा क्या काम करता है। ओके नेक्स्ट हाउस में ये निकनेम देता है क्या पोकेमोन का? I contact a variety of medicine from berry powder. Using good berry powder, I can make any kind of medicine. Now tell me, have you any interest in berries? Yes, why must you lie? How many berries do you have? Not at one. नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने झूठ बोला। तो निकलता हूँ मैं सिटी से। आखिर इधर पुलिस क्या कर रहा है? The people here were here robbed. Here are robbed. It obvious that Team Rocket is behind the most hilarious crime. Even our police force has trouble with the rockets.
तुम्हारे पुलिस फोर्स को भी उन लोगों ने नाक, तुम्हारे पुलिस फोर्स का भी नाक में दम करके रखा है टीम रॉकेट ने। टीम रॉकेट मस्ट बी ट्राइंग टू डिग देयर वे इनटू नो गुड। मैं उनको सबक सिखाऊंगा। दिस मिजरेबल रॉकेट, लुक व्हाट दे हैव डन टू माय हाउस। दे स्टोल एटीएम फॉर टीचिंग पोकेमोन हाउ टू डिग होल्स। आई वॉज गोइंग टू यूज इट ऑन मैंकी और सैंश्रू, दैट कॉस्ट मी अ बंडल, डिड इट। भाई इनका टीएम चोरी कर लिया है टीम रॉकेट के मेंबर ने। ये रहा, हे स्टे आउट, इट्स नॉट योर यार्ड। ओह मी, ये तेरा भी नहीं है, तू किधर क्या कर रहा है। आई एम इनोसेंट बाईस्टैंडर, डोंट यू बिलीव मी। नहीं भाई, कोई बिलीव नहीं करेगा भाई। तेरा यूनिफॉर्म देख के मैं समझ गया कि तू टीम रॉकेट का मेंबर है। आखिर तू फाइट करना चाहता है मुझसे, तो फिर आ जा भाई, फाइट करते हैं। तो देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। इसके पास मैचअप है, तो लास्ट टाइम मैं पिकाचू को यूज़ कर लेता हूँ, इसके बाद नहीं यूज़ करूँगा इधर फाइट में। तो पैरालाइज हो गया ये मैचअप, तो थंडर शॉक खा के ये फेंडेड हो गया। गीबल का लेवल 6 हो गया ब्रो। नेक्स्ट पोकेमॉन है ड्राउजी। ड्राउजी को हराएगा अपना आइविसोर पॉइजन पाउडर यूज़ कर, साले को पॉइजन दें। एंड सीक्रेट पावर यूज़ करते रहा, एक और सीक्रेट पावर, एंड गया भाई ड्राउजी। आइविसोर को भी एक्सपीरियंस मिला, एंड गीबल को भी, एंड गीबल का लेवल 7 हो चुका है। गीबल ने ड्रैगन रेस सीख लिया, भाई इतनी जल्दी इसने ड्रैगन रेस सीख लिया। तो मैं रॉर को हटा के ड्रैगन रेस सिखा देता हूँ अपने गीबल को। स्टॉप, आई गिव अप, स्टॉप, आई गिव अप, आई विल लीव क्वाइटली। तो चुपचाप निकल जाए इधर से टीम देके। ओके आई विल रिटर्न द टीम आई स्टोल। तो मिल गया मुझे, आई बेटर गेट मूविंग बाय। अभी मेरे को बाय क्यों बोल रहा है, जैसे कि तू मेरा फ्रेंड है। तो अपने को मिला है ये टेक मूव, तो कौन सीख सकता है ये ग्राउंड टाइप मूव। भाई सभी सीख सकते हैं सिफाई आइविसोर के। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ गेबल को अपने नेक्स्ट जिम बैटल में। तो गेबल को सिखाता हूँ मैं टेक मूव। टैकल को हटा के सिखा दे रहा हूँ मैं इसे डिग अटैक ग्राउंड टाइप मूव। ठीक है आगे बढ़ते हैं एंड वर्मिलियन सिटी चलते हैं। वर्मिलियन सिटी हमें इधर से जाना होगा, मैप में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कहाँ से जा सकता हूँ मैं वर्मिलियन सिटी। तो अभी मैं रूट 5 में हूँ। अब भाई ये किसका घर है, इधर ब्रीडर है ये। आई रन ए टेक केयर सर्विस, विल यू लाइक मी टू राइज वन ऑफ योर पोकेमॉन। रखूँ क्या मैं इधर, थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाएगा। किसको रखूँ मैं, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है रिवलू का, तो रिवलू को रख देता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाएगा ये। ठीक है भाई मैं रिवलू को रख देता हूँ। ओके रिवलू या फिर मैं टोटोडाइल को रख दूँ। भाई टोटोडाइल को रख दूँ, टोटोडाइल तो काम नहीं आएगा, क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ। टोटोडाइल को या रिवलू को ही रखता हूँ भाई। मिलता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ तो इधर से तुम्हें जा नहीं सकता, तो चलो चलते हैं भाई टनल से हमें जाना होगा, अंडरग्राउंड पाथ से जाना होगा वर्मिलियन सिटी। हाई डू यू हैव ए नीडोरैन, नहीं मेरे पास नहीं है, तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, ट्रेड नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। तो जल्दी से चलते हैं वर्मिलियन सिटी कब पहुंचूंगा मैं, ये बहुत टाइम लगा रहा है। ओह फाइनली पहुँच गया मैं। ये क्या कर रही है इधर, पीपल ऑफन लूज थिंग इन द डार्कनेस ऑफ द अंडरग्राउंड पाथ, बट मुझे कुछ नहीं मिला उधर, एंड उधर इतना डार्क भी नहीं था। हे तुम्हें बैटल करना, आई हैव नेवर सीन यू अराउंड, आर यू गुड, तुम्हें देखना है मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैं तैयार हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। भाई मैं पिकाचू को स्विच करना भूल गया। ठीक है हरा भाई बटरफ्ली को, भाई पैरालाइज कर दिया है पिकाचू को, बटरफ्ली ने पैरालाइज कर दिया है, एंड बटरफ्ली हार गई। एंड केबल का लेवल 8 हो चुका है, 9 हो गया। यू आर टू गुड, यस ब्रो आई एम टू गुड। आर माई पोकेमॉन वीक और आई एम जस्ट बैड, व्हिच डू यू थिंक। नथिंग, मैं कुछ नहीं सोचता भाई तुम्हारे बारे में। तो ठीक है फाइनली अब मैं आइविसोर को फर्स्ट में रख देता हूँ क्योंकि इसे मैं ट्रेन करने वाला हूँ।
तो अभी मैं पोशन यूज़ कर लेता हूँ आइविसोर के ऊपर। आइविसोर एंड गेवल को मैं ट्रेन करूँगा, इन दोनों को। अभी सुपर पोशन इधर है, यूज़ कर लेता हूँ मैं। एंड चलो इन दोनों से फाइट करते हैं। ओह इधर एक और ट्रेनर है, मैं मिस कर रहा हूँ इसे, किसी को भी मिस नहीं कर रहा। दे आर मैनी बग्स आउट हेयर, मुझे जाना भी नहीं है बग के बारे में। तो सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ वीडल के ऊपर एंड हराता हूँ भाई। वीडल तो गया, गेबल को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला नहीं। तो नेक्स्ट कैटेपी है, कैटेपी को गेबल हरा सकता है मुझे लग रहा है। तो मैं ड्रैगन रेस यूज़ करूँ। ओह भाई ड्रैगन रेस से उसने अकेले, गेबल ने अकेले ही हरा दिया कैटेपी को। नेक्स्ट है वीडल, वीडल को भी हरा भाई तू ड्रैगन रेस से। एंड वीडल भी हार गया। एंड गेबल का लेवल हो चुका है 10। नो यू आर किडिंग, मैं मजाक नहीं करता भाई। आई एम ऑलवेज सीरियस, आई लाइक बग, सो आई एम गोइंग टू बैक टू विरिडियन सिटी, विरिडियन फॉरेस्ट। जा भाई तू क्या कर रहा है इधर, उधर घर बना ले तू अपना विरिडियन फॉरेस्ट में। तो मैं केबल को दे देता हूँ पोशन एंड आगे बढ़ते हैं भाई। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ विरिडियन सिटी में। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस बैटल करना है तुम लोगों से। तो इसके पास ये वाला पोकेमोन है, इसके ऊपर मैं सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ, इसे पैरालाइज कर दिया है। पॉइजन पाउडर तो यूज़ नहीं करता। वाइंड वेप गया भाई है। नेक्स्ट पोकेमोन कौन है, पीकेचू, पीकेचू को भी हराएगा अपना गिबेल। बुलेट शीट यूज़ करता हूँ मैं। अबे इसने आर्बिसोन ने थंडर शॉक से पैरालाइज कर दिया है। सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ, पॉइजन देता हूँ मैं पीकेचू को। एंड गया भाई पीकेचू। आर्बिसोर का लेवल 19 हो चुका है एंड गिबेल को भी कुछ एक्सपीरियंस मिला। आई हेट लूजिंग, तो बैटल क्यों करती हो अगर तुम्हें हारना पसंद नहीं है तो। हु इज़ देयर, क्विट लिसनिंग इन ऑन अस। अबे मुझे बैटल करना है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके ऊपर मैं पॉइजन पाउडर यूज़ करता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर मैं बुलेट सीड यूज़ करता हूँ एंड वाइन वेब से अबे यार आइविसोर फेंटेड हो गया। गिबेल तू हरा सकता है इसे, कम ऑन यार ट्राई कर, तेरा लेवल कम हो सकता है बट यू आर बेस्ट मैन। एक काम कर तू ड्रैगन रेज यूज़ कर ले इसके ऊपर। एंड भाई गिबेल ने हरा दिया स्क्वेडल को, नाइस भाई। गिबेल का लेवल 11 हो चुका है। आई जस्ट कैंट विन, विस्पर विस्पर, ये विस्परिंग ज़्यादा कर रहा है भाई। ओके सुपर पोशन दे देता हूँ मैं गिबेल को, और भी फाइट करना होगा हमें। तो गिबेल को भी फर्स्ट में रखता हूँ। आइविसोर तो फेंडेड हो चुका है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और भी इधर ट्रेनर्स हैं, इधर दो ट्रेनर हैं, इधर डबल फाइट होगा क्या अपना। मी वेल ओके आई विल प्ले, ठीक है आ जाओ फिर। तो इसके पास टोटल 3 पोकेमोन है। फर्स्ट है इलेक्ट्राइक, तो इसके ऊपर मैं डिग अटैक यूज़ करता हूँ। एंड इसको भाई गिबेल ने अकेले ही हरा दिया। एंड इसका गिबेल का लेवल अप हो गया भाई, इसका लेवल हो चुका है 12। सैंड अटैक यूज़ किया भाई पिज्जी ने, कम ऑन पिज्जी को हरा सकता है तू ड्रैगन रेस से। एंड हरा दिया इसने। नेक्स्ट एक और पिज्जी, तो इसे तू हराएगा ड्रेक, हरा भाई इस पिज्जी को। ड्रेक एम्बर यूज़ कर, एक और ड्रेक का लेवल बहुत कम है, मुझे इसको ट्रेन करना चाहिए भाई। ठीक है इजेबेल हरा दिया हमने इजेबेल को। थिंग जस्ट डिडंट वर्क, ओके कब मैं पहुँचूँगा बर्मिलसिन पे। आई वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉन्गर, व्हाट्स योर सीक्रेट। नथिंग, ट्रेनिंग करो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। हाँ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, यस भाई मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ कि तू मुझसे फाइट करेगा। ये करेगा भाई, इसीलिए तो चैलेंज कर दिया इसने। तो जेप भेज रहा है भाई इसके स्पेरो को, तो स्पेरो को तो हरा नहीं सकता अपना केबल। एंड केबल गया, एम्बर यूज़ कर भाई, एक और एम्बर यूज़ कर, एक और भाई ड्रेक को भी हरा दिया इसने। चल टोटोडाइल तू अपना पावर दिखा, वाटर पल्स यूज़ कर भाई। एंड गया स्पेरो। एंड टोटोडाइल का लेवल 14 हो चुका है। नेक्स्ट पोकेमोन है रैडिकेट, रैडिकेट को भी हरा भाई तू, वाटर पल्स यूज़ कर। अबे हाइपर फैंग से हरा दिया इसने। थंडर शॉक पैरालाइज है ना अपना पीकेचू। हाइपर फैंग से डैमेज देखो कितना मिला अपने पीकेचू को भाई। हाइपर फैंग इज़ अ गुड मूव। इसके ऊपर मैं स्लैम यूज़ करता हूँ।
स्लैम इफेक्ट करा, एक और थंडर शॉक एंड रेडिकेट को हरा दिया भाई पिकाचू ने, एंड पिकाचू का लेवल 12 हो चुका है। दिस स्टिंग्स, आई कुडंट बीट योर चैलेंज, हार गया ना तू मुझसे। आई शुड ब्रिंग मोर पोकेमॉन विथ मी, आई फील सेफर दैट वे। तो सबसे पहले तो मुझे वर्मिलियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में जाना है भाई। वर्मिलियन सिटी पहुंच गया मैं, तो अभी मैं गेम को सेव करने वाला हूँ। अगर तुम्हें गेम पहले वीडियो अच्छा लगा तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड गेम पहले वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।